शराब के खिलाफ उमा भारती का ऐलान, ए जंग, शराब दुकान में की तोड़फोड़, शराब की दुकान में पत्थर फेंक कर की तोड़फोड़। भोपाल में एटीएस के हत्थे चढ़े चार संदिग्ध आतंकी, सभी संदिग्धों का बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमात ए मुजाहिदीन से संबंध, भारी मात्रा में जिहादी साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और संदिग्ध दस्तावेज बरामद, सभी से पूछताछ जारी। रीवा को सीएम शिवराज की सौगात, 221 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, रीवा सिरमौर रोड का लोकार्पण भी करेंगे सीएम। एमपी में द कश्मीर फाइल्स फिल्म एमपी में टैक्स फ्री, शिवराज सरकार ने किया ऐलान। रायपुर में होली से पहले एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने ली बैठक, निगरानी बदमाशों पर सख्ती बरतने के दिए निर्देश, थाना स्तर पर तैयार की जा रही गुंडा बदमाशों की सूची, बाजारों में मुखौटों की बिक्री पर भी लगा प्रतिबंध। सुकमा में नक्सली और डीआरजी जवानों के बीच हुई मुठभेड़, दो डीआरजी जवान हुए घायल, सर्चिंग के दौरान नक्सलियों ने की फायरिंग, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज, जवानों का इलाज। अलीराजपुर में युवतियों से छेड़छाड़ का वीडियो हुआ वायरल, टोली बनाकर चल रहे युवकों ने की छेड़छाड़, मामले पर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करते हुए एसपी मनोज सिंह ने कई कार्रवाई की बात। हरदा के राजपूत छात्रावास में रविवार को महिला विकास समिति राजपूत परिषद ने मातृशक्ति संगम कार्यक्रम का किया आयोजन, दीप प्रज्वलित कर महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भिंड में पुलिस कस्टडी में युवक ने पिया फिनाइल, जिला अस्पताल में युवक का इलाज जारी, प्रेम प्रसंग के मामले में युवक को थाने लाई थी पुलिस। नरसिंहपुर में युवक पर लड़की को धोखा देकर संबंध बनाने का आरोप, पूरे मामले में अब तक चार लोगों की गिरफ्तारी। श्योपुर के चंबल नदी में मिला महिला का शव, महिला के शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। धार जिले में मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 किलो गांजा के साथ चार आरोपियों को किया गिरफ्तार, जब्त गांजे और गाड़ी की कीमत 10 लाख के करीब। शिवपुरी में संदिग्ध गौ मांस के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, हिंदू संगठनों के जमावड़े को देख वन अमले ने आरोपियों को किया पुलिस के हवाले। खरगोन के जेतापुर पुलिस चौकी में पदस्थ एक पुलिसकर्मी को संदिग्ध हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस आरक्षक पर जहर का सेवन किए जाने की जताई जा रही आशंका। खंडवा के लेडी बटलर अस्पताल परिसर में एक नवजात का थैली में शव मिलने से मचा हड़कंप, अस्पताल के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर नवजात के शव को कब्जे में लिया। बालोद जिले का चार्ज लेते ही पुलिस अधिकारी जीएस ठाकुर ने पैदल किया बालोद नगर का दौरा, खामियों को दूर करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। रायपुर में नशे की हालत में शख्स ने तोड़ी एलईडी स्क्रीन, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। धार में हत्या के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, सात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया केस। खंडवा में महिला मंडल ने करवाया महिला मैराथन का आयोजन, खंडवा से विधायक देवेंद्र वर्मा ने दिखाई हरी झंडी। शहडोल में कोल डस्ट की वजह से ग्रामीणों की बड़ी परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी बीमारी से ग्रसित ग्रामीणों ने किया विरोध। जांजगीर चांपा में 2.5 साल के मासूम का गड्ढे में मिला शव, 6 दिनों से लापता था मासूम, हत्या की जताई जा रही आशंका। दुर्ग में लोको पायलट ने नदी में कूदकर की खुदकुशी, शिवनाथ नदी से बरामद हुआ शव। रूस यूक्रेन के बीच आज होगी चौथे दौर की बातचीत, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुख्य सलाहकार माइखाइलो पोडोलियाक ने इस बात की जानकारी दी। दोनों देशों के बीच 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, 3 दौर की बातचीत में लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए मानवीय गलियारे पर सहमति बनी थी। रूस यूक्रेन के बीच
बातचीत में युद्ध विराम पर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका। यूक्रेनी शरणार्थियों को इटली ले जा रही बस पलटी। बस पलटने से एक यूक्रेनी महिला की मौत, कई लोग हुए जख्मी। रूस को मदद देने को लेकर अमेरिका ने दी चीन को चेतावनी। अमेरिका ने कहा प्रतिबंध झेल रहे रूस की अगर चीन ने मदद की तो उसे भी परिणाम भुगतने होंगे। ब्रिटेन ने कहा है कि रूसी रईसों की जब्त संपत्तियां अब शरणार्थियों की मदद के लिए इस्तेमाल होंगी। ब्रिटिश सरकार ने यूक्रेनी विस्थापितों को शरण देने वालों को हर महीने 350 पाउंड देने का ऐलान किया है। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन युद्ध की कत्लेमाल से तुलना की। रूस में यूक्रेन युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन जारी। मॉस्को में पुलिस ने 800 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। सेंट पीटर्सबर्ग में भी कई प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई। युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 14,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों की अरेस्टिंग। रूस यूक्रेन के जारी जंग के बीच भारत का बड़ा फैसला, अपना दूतावास यूक्रेन से पोलैंड शिफ्ट कराने का फैसला किया। पश्चिम यूक्रेन में बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दूतावास अस्थायी तौर पर पोलैंड शिफ्ट किया गया। हमले पर पेंटागन का बयान, रूस ने बढ़ाया हवाई हमलों का दायरा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा नाटो की एक एक इंच जमीन की सुरक्षा की जाएगी। पश्चिमी देशों की सेनाओं की यूक्रेन की सेना करती थी अभ्यास, सितंबर में हुई थी मिलिट्री ड्रिल। रूस के हमले से करीब 25 लाख यूक्रेनी नागरिकों ने देश छोड़ा, हजारों लोग अभी भी शहरों में फंसे हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रिज ड्रूडा का बयान, उम्मीद है मास डिस्ट्रक्शन के हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा रूस।